हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ईटीटी कैडर के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सभी देखिए, पूरा जो ईटीटी कैडर है वो अपनी जॉइनिंग का वेट कर रहा है कि बहुत जल्द कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे कि कैडर की जॉइनिंग होगी। जो इतने सालों का जो संघर्ष है, आखिरकार उसका जो रिजल्ट है वो कैडर को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, और अपडेट कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। कि देखिए, कहीं ना कहीं ऑलरेडी माइंड में था कि किसी भी टाइम जो इलेक्शंस की डेट है वो अनाउंस की जा सकती है, और इसी को लेकर अपडेट निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ी अपडेट कि जो इलेक्शन की जो डेट है वो आज अनाउंस कर दी जाएगी। इसके लिए आप अपने अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि पंजाब चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि जो भी इलेक्शन की जो डेट है, जो आगे के जो प्रोग्राम्स होंगे, उसकी जो घोषणा है आज की जा सकती है, मतलब उनकी अनाउंसमेंट की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये पूरे काडर के लिए काफी कह सकते हैं कि बहुत ही बैड न्यूज है कि कोड ऑफ कंडक्ट है वो आज की डेट से ही लग जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे ही जो इलेक्शंस की डेट है वो अनाउंस की जाती है, उसी के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो जाता है। आप यहाँ से जो पूरी न्यूज है वो देख पाओगे। पंजाब में आज नगर निगम के चुनावों की घोषणा की जा सकती है। राज्य चुनाव आयोग राज कमल चौधरी ने आज दोपहर चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का देखिए क्या मेन टारगेट है, वो ये है कि आज 11:30 बजे यानी 11:30 पे जो भी इलेक्शंस के आगे के जो प्रोग्राम होंगे, जो भी डेट होगी, उसके जो अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। और जैसे ही जो इलेक्शंस की डेट है वो अनाउंस की जाएगी, उसी के साथ कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। यानी कि सेम वही प्रोसेस कि कोड ऑफ कंडक्ट में फिर से वही सीन चलेगा कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। हालांकि डिपार्टमेंट आपको ये बात डायरेक्टली नहीं कहेगा कि हम आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते, वो आपको एक एक्सक्यूज देगा कि हम आपकी जो फाइल है वो इलेक्शन कमीशन के पास भेजेंगे। काफी दिन तो फाइल ही नहीं भेजी जाती। उसके बाद क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन से जवाब आएगा कि जब तक आप इलेक्शन हो रहे हैं तब तक आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, आप स्टेशन फिल करवा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इस तरह का जो सिनेरियो है वो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखिए, ये सब चीजें जो होती है, मतलब इलेक्शन कमीशन हो चाहे ये इलेक्शन के दौरान ज्वाइनिंग हो, कहीं ना कहीं ये पूरी चीजें देखने को मिल रही है कि पूरी प्री प्लान है। किस तरह से प्री प्लान है, अब ये समझिए। अभी देखिए, कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा जो डिपार्टमेंट के साथ है वो मीटिंग की जा रही थी कैंडिडेट की जॉइनिंग को लेकर, और डिपार्टमेंट ने 4 दिन का टाइम मांगा था कि हमें 3 से 4 दिन का टाइम दीजिए, हम जो भी आगे की जो प्रोसेस है उसे बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। और कहीं ना कहीं ये था कि चलो 4 दिन के बाद कुछ प्रोसेस है वो की जाएगी। कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के माइंड में यही बातें थी। हालांकि जो कैंडिडेट एक्चुअल में इस चीज को लेकर अवेयर थे, जिनको ऑलरेडी पता था कि 4 दिन बाद क्या कुछ हो सकता है, वो इस चीज को भली भांति समझते थे कि कुछ ना कुछ आगे जो प्री प्लान चीजें है वो चल रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप देख पाओगे कि 3 दिसंबर को ही पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक जानकारी साझा की थी कि हम 8 दिसंबर को जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस कर देंगे। यानी ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले से ये चीज फिक्स थी कि 8 दिसंबर को इलेक्शन की जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। और इसी प्री प्लान जो सीरीज में आप लोगों से 4 दिन का टाइम मांगा गया कि आप हमें 4 दिन का टाइम दीजिए, हम लिस्ट रिवाइज करेंगे, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग करवाएंगे, सब कुछ प्रोसेस है वो स्मूथली कंप्लीट की जाएगी। कहीं ना कहीं काडर को बेवकूफ बनाया गया। और ऐसा नहीं है कि काडर में किसी को कुछ पता ही नहीं था, बहुत से कैंडिडेट को पता था इस बारे में, बहुत से कैंडिडेट को पता था। इवन मैंने भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि 6 तारीख के बाद कभी भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू हो सकता है, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं काडर को सोच समझ के संभलने के चलने की जरूरत है। हालांकि उसके बाद भी देखिए, पता नहीं क्या मतलब इशू रहता है कि हर बार जो कैंडिडेट को बेवकूफ बनाया जाता है, स्पेशली ईटीटी काडर के साथ। तो देखिए, ये हमेशा से चलता हुआ आ रहा है कि काडर को हमेशा से मिसगाइड किया जाता है, हमेशा से एक इस तरह के एक अंधेरे में रखा जाता है कि काडर को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे देखिए एक चीज और है। अभी क्या था कि कैंडिडेट को उम्मीद थी कि उनकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद थी। इवन कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट को तो ये लग रहा था कि नेक्स्ट वीक तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आप खुद सोच के देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट आज की डेट में अनाउंस हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद आपके 1.5 से 2 महीने कहीं नहीं गए। डिपार्टमेंट को डायरेक्टली 1.5 से 2 महीने का टाइम अब मिल चुका है। डिपार्टमेंट ने 4 दिन मांगे थे कि 4 दिन हमें दीजिए, डिपार्टमेंट को 2 महीने का टाइम मिल चुका है।
क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी हाल में अब ये आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। यानी 2 महीने के लिए आप आराम से घर पे बैठ सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग किसी भी हाल में नहीं हो सकती। 2024 में तो किसी भी हाल में कोई भी आपकी ज्वाइनिंग है वो नहीं करवा सकता, किसी भी हाल में ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई सच्चाई बताता है, इवन मैंने चीज नोटिस की है कि जब भी कोई चीज एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि ये चीजें हो सकती है, इसके बारे में सोचना चाहिए, तो बहुत से लोग निकल के आएंगे। वो ये बोलेंगे कि मैम आप तो डीमोटिवेट कर रहे हो। इवन कोई भी कैंडिडेट अगर कार्डर को सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो सभी सिर्फ एक ही लाइन रट के बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं ये कैंडिडेट तो हमें डीमोटिवेट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, सब पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। अब आप बताइए पॉजिटिव रहने का क्या रिजल्ट मिला आप लोगों को? पॉजिटिव थे आप सभी, पूरा कार्डर पॉजिटिव था, ज्वाइनिंग होगी, ये होगा वो होगा, अब उसका क्या रिजल्ट मिला? और यहाँ पे देखिए सिर्फ बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि जो कैंडिडेट उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगले हफ्ते तक उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये होगा वो होगा, आप खुद सोच के देखिए। अभी 10 दिन पहले ही जो पीएसपीसीएल में एएलएम के जो कैंडिडेट थे उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिले थे, सिर्फ आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद ज्वाइनिंग तक के बीच में भी बहुत सी प्रोसेस होती है जिन्हें कंप्लीट करना होता है, उन कैंडिडेट की आज तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं की गई, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। और यहाँ पे यूटीटी कार्डर ये सोचे बैठा है कि अगले हफ्ते उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सोच के देखिए जिनके अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं उन्हें भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो यहाँ पे सब कुछ जो भी चीज चल रही होती है वो प्री प्लान होती है। यहाँ पे डायरेक्टली जब 3 दिसंबर को सरकार जवाब देती है हाई कोर्ट में कि हम 8 दिसंबर को इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देंगे, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने 4 दिन का टाइम क्यों मांगा? बिल्कुल जो था वो प्री प्लान था जिसकी वजह से ये सब चीजें की गई। दूसरी तरफ देखिए किसी को मतलब आप बताओगे सच्चाई तो वो सिर्फ यही बोलेगा कि डीमोटिवेटिंग है डीमोटिवेटिंग। आप बताइए जी आप पॉजिटिव चीजें कैसे हो सकती है इसमें? और यहाँ पे सिर्फ आपका जो संघर्ष है इसी के साथ खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने आप वेट कर लोगे उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जैसे ये इलेक्शन खत्म होंगे उसके बाद फिर से इलेक्शन है। अब खुद सोच के देखिए, यानी कि इलेक्शन के बाद फिर से इलेक्शन है। आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपको इस इलेक्शन के ओवर होने के बाद कुछ दिन ही मिलेंगे। अगर उस टाइम पीरियड में कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो गई तो हो जाएगी, अदरवाइज फिर नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उसके में फिर से कुछ महीने निकल जाएंगे, उसके बाद आप सोच के देखिए फिर कोई नई हर्डल आ जाएगी। इस तरह से ये जो प्रोसेस है आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पे कार्डर को समझने की जरूरत है, सिर्फ पॉजिटिव रहो ये सब बातें बोलने से काम नहीं होता। एक्चुअल में जो सच्चाई है उसे हमें फॉलो उससे हमें एग्री होना होगा, हमें समझना होगा कि सच्चाई क्या है, किस तरह से एटीटी कार्डर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे प्री प्लान होने के बावजूद भी 4 दिन का टाइम मांगा गया, 4 दिन मांगे गए कि कार्डर को कि 4 दिन दीजिए हम आपका काम करके देंगे। अब बताइए अगर वो आप कुछ कर भी देंगे तो क्या वो ज्वाइनिंग देंगे? किसी हाल में ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए कार्डर को समझने की जरूरत है कि अगर एक्चुअल में प्रेशर बना के कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे ये कोड ऑफ कंडक्ट ओवर होगा उसके बाद जैसे प्रेशर बना के अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई कुछ दिनों के अंदर तो हो जाएगी, अदरवाइज तो देखिए नेक्स्ट इलेक्शन फिर से आएंगे, फिर से लंबी प्रोसेस चलेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 2024 गया है 2025 भी जाते हुए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए इलेक्शन पे इलेक्शन हो रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है। जब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता उस दौरान डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करता, कार्डर को बेवकूफ बनाया जाता है, बहुत सी चीजें चलती रहती है। और यहाँ पे फिर वही प्रोसेस है। अब आप खुद इस चीज को एनालाइज कीजिए कि जो चीज प्री डिफाइन थी, जहां पे सरकार खुद जवाब देती है हाई कोर्ट में कि हम 8 तारीख को कोड ऑफ जो इलेक्शन की डेट है वो अनाउंस कर देंगे, और इलेक्शन की डेट अनाउंस होते ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो डिपार्टमेंट और जो सरकार या फिर कहे तो जो भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व है किस तरह से प्री प्लान एक चाल चल रहे हैं कार्डर के खिलाफ कि किसी ना किसी तरह से इनकी ज्वाइनिंग को और डिले किया जाए। अब यहाँ पे कार्डर को खुद सोचने की जरूरत है कि कौन कितना रेडी है उनकी ज्वाइनिंग करवाने के लिए, कौन चाह रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी हो? रियलिटी तो यही है कि कोई भी नहीं चाहता। आप सभी टीचर हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए कि जो चीज एक्चुअल में जो चीज होने वाली है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोग पहली बात तो देखिए कोई आपको सच्चाई बताने वाला ही नहीं है, कोई नहीं बताता, मोस्टली कार्डर से सच्चाई छुपाई जाती है। उसके बाद ऑन दी अदर हैंड एक और बड़ी बात कि कोई सच्चाई सुनना भी नहीं चाहता, सभी को बस ये है कि पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो। देखिए सिर्फ पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होगा, टीचर हो आप सभी, जो प्रैक्टिकली जो चीजें हैं आप उस पर थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि जो चीज एक्चुअल में हो सकती है, सिर्फ कुछ लाइनें याद कर लेने से या पॉजिटिव है ये बोलने से काम नहीं होगा।
थोड़ा सा अपने कहीं ना कहीं जो आपकी नॉलेज है उसे यूटिलाइज कीजिए, जो एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है उसके ऊपर एनालाइज कीजिए। स्पेशली जो हिस्ट्री रही है ईटी काडर को बेवकूफ बनाने की, कम से कम उस चीज से बाहर निकले ताकि पता चले डिपार्टमेंट को भी और सरकार को भी कि ईटीटी काडर के कैडेट को अब बेवकूफ बनाना इतना ईजी नहीं है जितना पहले रहता रहा है। तो यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि इस चीज से कहीं ना कहीं काडर एक यूनिटी के साथ आके एक्चुअल में काम किया जाएगा जो जरूरी है इस टाइम जो कैंडिडेट की ज्वाइनिंग, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए सब कुछ सरकार डिपार्टमेंट सब कुछ तो मिला मिला हुआ है, कहीं कुछ नहीं किया जा रहा। बाकी उम्मीद करेंगे कि आगे कुछ पॉजिटिव अपडेट देखने को मिलेगी। आज इलेक्शंस की डेट है, वो अनाउंस कर दी जाएगी 11:30 बजे और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। लेट्स सी आगे क्या कुछ प्रोसेस होती है, कब तक आगे की प्रोसेस देखने को मिलती है। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।